If you're not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakure tutorials. Body fluids and circulation chapter. Mein हमने अभी तक ब्लड वेसल्स को कंपेयर किया आर्टरीज एंड वेन्स को इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी और एक्सटर्नल मतलब लोकेशन कैसा है वॉल्स हैं कि नहीं है वॉल थिक है कि कम थिक है और इंटरनल मतलब लेयर्स कैसी है ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना एंड मीडिया सो so, ब्लड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है ब्लड वेसल्स भी कर ली सो so, अब हमारा इस चैप्टर में स्टार्ट होगा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हार्ट पंपिंग ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, बिकॉज हार्ट पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में ह्यूमन हार्ट पढ़ने के पहले हमें बाकी एनिमल्स के हार्ट को भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा सो so, हम वर्टिब्रेट हार्ट स्टडी करते हैं सो so, फर्स्ट जो हम लेंगे वो है फिशेस का हार्ट हार्ट ऑफ फिशेस। फिर हम करेंगे का हार्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिर का हार्ट। मतलब हमारा हार्ट सो so, फिशेस का हार्ट कैसा होता है ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक -like हार्ट है हमारे हार्ट जैसा नहीं हमारा हार्ट कैसा ट्राइंगुलर रहता है कोनिकल है ये ट्यूब लाइक -like हार्ट है इसमें दो मेन कंपार्टमेंट्स है और ये दो मेन कंपार्टमेंट कौन से हैं? वन ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है एक ही ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल मतलब ये टू चेम्बर्ड हार्ट हो गया सो so, फिशेस का हार्ट हम बोलते हैं कि टू चेम्बर्ड हार्ट है और ये मेन कंपार्टमेंट है हम मेन क्यों बोल रहे हैं बिकॉज दो हेल्पिंग कंपार्टमेंट्स भी हैं उन्हें हम असरी कंपार्टमेंट्स बोलते हैं अब असेसरी कंपार्टमेंट्स है मतलब इनका कुछ फंक्शन होगा और ये असेसरी कंपार्टमेंट्स कौन से हैं एक साइनस विनोसिस है और दूसरा उसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टीरियोस अब अगर इन सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए अगर हमें फिशेस का हार्ट बनाना है तो हार्ट कैसा होगा फिशेस का हार्ट ऐसा ट्यूब्यूलर हार्ट है ये एक कंपार्टमेंट और एक दूसरा कंपार्टमेंट ऐसा लाइक हार्ट -like है ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये ऑरिकल है और ऑरिकल हमेशा रिसीविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं ऑरिकल रिसीविंग कंपार्टमेंट मतलब ये ब्लड को रिसीव करेंगे और वेंट्रिकल जो होता है वो हमेशा पंपिंग कंपार्टमेंट होता है सो so, अगर ब्लड हार्ट में आ रहा है तो हमेशा ऑरिकल में आएगा और अगर हार्ट से बाहर जा रहा है पंप हो रहा है तो हमेशा वेंट्रिकल में जाएगा सो so, ये ऑरिकल है मतलब ब्लड यहां आने वाला है ये रिसीविंग कंपार्टमेंट है पंपिंग कंपार्टमेंट पंपिंग कंपार्टमेंट है मतलब ये वेंट्रिकल है और ये तो दो मेन कंपार्टमेंट्स हो गए एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल अब असेसरी compartments कहां पर है असेसरी कंपार्टमेंट एक ऑरिकल पर अटैच्ड है ये कंपार्टमेंट ओरिकल पर अटैच्ड है इसे हम कहेंगे साइनस विनोसस साइनस विनोसस और अभी हमने कहा कि ऑरिकल रिसीव करेगा सो so ब्लड कहा से आएगा ये बॉडी पार्ट से ब्लड इसके अंदर एंटर होगा सो so यहां पर आता है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट अब बॉडी पार्ट से अगर ब्लड आ रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा बिकॉज बॉडी पार्ट टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज कर लिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया होगा So, ये जो ब्लड होता है दिस इज डी जो बॉडी पार्ट से आ रहा है सबसे पहले ये साइनस विनोसिस में आएगा और फिर ऑरिकल में जाएगा सो so, ब्लड अब साइनस विनोसिस से ऑरिकल में ऑरिकल से वेंट्रिकल में अब वेंट्रिकल से पंप होने वाला है और ये एक और असेसरी कंपार्टमेंट है कंपार्टमेंट इन द सेंस एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like है जिसको हम कहेंगे ट्रंकस आर्टीरियोस डीऑक्सीजनेटेड सो ऑरिकल ने रिसीव किया डी ऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में जो आया वो डी ऑक्सीजनेटेड और वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा और कहा जाना चाहिए ये ये फिशेस की बात कर रहे हैं सो so, ये जाना चाहिए गिल्स में सो so, यहां से जो डी ब्लड पंप होगा वो जाएगा गिल्स में सो so, यहां हम लिखते हैं टू गिल्स गिल्स में क्या होगा गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा जो वाटर आ रहा है गिल्स के ऊपर वहां से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होगा सो so, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा मतलब अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब सप्लाई होगा सारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाईड टू बॉडी पार्ट्स सारे बॉडी पार्ट्स को कौन सा ब्लड मिल गया ऑक्सीजनेटेड उन्होंने वो ऑक्सीजन ले लिया डिफ्यूजन से ऑक्सीजन गया टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया मतलब अब ब्लड कैसा हो गया फिर से फिर डी हो गया सो so, अब ये ये वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सो सर्कुलेशन का पाथ कैसा है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा साइनस विनोसिस में साइनस विनोसिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑरिकल में ऑरिकल से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल पंप करेंगे सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर गिल्स में और गिल्स में होगा ऑक्सीजनेशन और फिर वो बॉडी को जाएगा फिर साइकिल कंप्लीट इसका मतलब जो फिशेस का हार्ट है उसमें सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या वो सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं तो ऐसा जो हार्ट होता है उसे हम कहते हैं वीनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट नस और ब्रैंकियल हार्ट क्या है ये वीनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट क्या है वैन ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रीचिंग द हार्ट and being pumped from the heart and being pumped इसका मतलब हार्ट में आने वाला ब्लड कौन सा डिऑक्सीजनेटेड वहां से पंप होने वाला ब्लड कौन सा डी ऑक्सीजनेटेड तो ऐसे हार्ट को हम कहेंगे या तो ब्रैंकिअल हार्ट या वीनस हार्ट और किसी भी बॉडी पार्ट में जाने के पहले ये बॉडी पार्ट में जा रहा है सपोज ये बॉडी पार्ट फिश का स्टमक है तो स्टमक में ब्लड गया वहां से ऑक्सीजन लिया टिश्यूज ने स्टमक के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया फिर गिल्स में गया और फिर से स्टमक में जाएगा तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड जाने के पहले वो ब्लड हार्ट में से सिर्फ एक बार पास हो रहा है ऐसे हार्ट को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन हार्ट सो so फिशेस का हार्ट कैसा है सिंगल सर्क्यूलेशन हार्ट इसका मीनिंग क्या होगा कि किसी भी ऑर्गन को जाने के पहले ब्लड हार्ट में से सिर्फ एक बार जाएगा सो so, इसे हम कैसे लिखेंगे ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस बिफोर सप्लाइड टू एनी बॉडी पार्ट ठीक है सो so, किसी भी बॉडी पार्ट को जाने के पहले सिर्फ एक ही बार वो ब्लड हार्ट में से जाने वाला है सो so, दो टर्म्स मिली है सिंगल सर्क्यूलेशन हार्ट ये फिशेज में है दूसरा वीनस या ब्रैंकिअल हार्ट सो वीनस हार्ट है मतलब सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और सिंगल सर्कुलेशन हार्ट है मतलब सिर्फ एक बार हार्ट में से जाएगा बिफोर किसी भी ऑर्गन को वो सप्लाई होता है सो so, अगर फिशेस के हार्ट की बात करते हैं तो हम नॉर्मली बोलते दो चेंबर का है एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल बट उसके साथ में दो असेसरी कंपार्टमेंट्स भी हैं हेल्पिंग कंपार्टमेंट भी है साइनस विनोसिस का क्या काम है ये रिसीव करेगा और ऑरिकल में भेजेगा ट्रंकसार्टीनोसिस का क्या काम है ये वेंट्रिकल से लेगा और आगे जाके ब्लड वेसल में भेजेगा कौन सी ब्लड वेसल है इसके आगे जाके जो ब्लड वेसल बनेगी उसे हम कहेंगे एओर्टा एओर्टा ही होते हैं जो हार्ट में से ब्लड को लेकर बाहर जाएगी सो so, ये जब हम हार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे सिंपल लाइक -like है है और सिंगल सर्कुलेशन है। अब इसके आगे इवोल्यूशन में एम्फीबियंस या फ्रॉक का हार्ट कैसे बना कितने चेम्बर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे